हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल की कचौरी बना रहे हैं और इसके साथ एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी और मटर है। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने 2 कप मटर को रात में भिगो दिया था और बहुत अच्छे से ये सोख हो गई है और ये करीब 1 कप मूंग की दाल है। ये मैंने 2-3 घंटे पहले सोख किया था। इधर हम अपनी मटर चढ़ा रहे हैं, इसमें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और यहाँ मैंने 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा डाला है और गैस को हम कुकर को बंद कर देंगे। करीब यहाँ 4-5 सीटी आएगी, उसके बाद हम कुकर की गैस बंद कर देंगे। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैंने छिलके के साथ काटे। आपको जितनी सब्ज़ी बनानी है आप उतने आलू लीजिए। इधर मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल जब मेरा बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद जब मेरा ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो हम उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग ज़ीरे को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे ताकि उसका फ्लेवर तेल में आ जाए। उसके बाद जो हमने आलू काटा है ये छिलके वाला, उसको उसमें डाल के फ्राई करना है। थोड़ी देर हम इसे फ्राई करते रहेंगे, फिर हम उसमें करीब अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। और यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के मिर्च डाली है क्योंकि ये चटपटी सब्ज़ी है, इसमें मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डलेगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पानी की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है, ये स्लो गैस पर पकेगी, कम से कम 10-15 मिनट लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और हमारी सब्ज़ी को चढ़ाए हुए 10 मिनट हो गया है, 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। आइए अब हम अपनी सब्ज़ी को चेक करते हैं। हम इसको चढ़ाए हुए 15 मिनट हो गए हैं। देखिए सब्ज़ी का कलर हमारा कितना खूबसूरत है। आइए इसको चेक करते हैं कि हमारे आलू अभी गले हैं या नहीं। देखिए हमारे आलू बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। बस इसी तरह आपको स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बन के तैयार होती है। और आप सब्ज़ी को थोड़ा साइड में कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो किनारे हो जाएगा। तैयारी के बाद में हम इसमें थोड़ी सी धनिया और पिसी खटाई मिक्स कर देंगे। बस ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है और अब ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए देखिए अब हम अपनी कचौड़ी के दाल के लिए कुछ मसाले ले लेते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच खड़ी धनिया लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया हुआ है। यहाँ हम 2 चम्मच मोटी सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने के बाद हमें इस मसालों को धीरे धीरे भूनना है। इधर हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल जब बहुत अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें हींग डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। हींग ज़ीरा जब बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा तो इस तरह से चला के उसकी खुशबू आपको तेल में थोड़ी आ जाने देनी है। यहाँ आप गैस को फ्लेम को लो कर लीजिएगा। इधर हमने अपनी दाल डाल दी है, दाल को हमें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इस तरह से आप धीरे धीरे मिक्स करते रहिएगा। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे खाने वाला, और 1 चम्मच हमने यहाँ हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद हमने यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और ये जो हमने मसाला पीसा था उसमें से हम करीब 2-3 चम्मच डालेंगे। मिक्स करने के बाद आप सभी चीज़ों को एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको कम लग रही हो आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस इसी तरह से आप इसको लो आंच पे भूनते रहिए। बीच में हमें बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन डालना है। बेसन डालने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है ताकि हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन जाए, ताकि बेसन में कोई दाल में बेसन के कोई कच्चेपन की महक ना आए। इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनते रहना है। और जब दाल हमारी दानेदार हो जाएगी तो हमें उसमें हरी धनिया डाल के बिल्कुल मिक्स कर देना अच्छे से। देखिए हमारी दाल बिल्कुल दानेदार हो चुकी है। बस ऐसे ही दाल हमें चाहिए और बस अब हमारी ये कचौड़ी के लिए रेडी है। यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है और थोड़ा सा हमने यहाँ बेकिंग सोडा भी डाला है मीठा वाला, और यहाँ घी हमने डाला है रिफाइंड, या 1/2 कप है क्योंकि हमारी कचौड़ी खस्ता होनी है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी आप जो भी डालिएगा उसमें ज़्यादा डालना है। इस तरह से आप इसको मिक्स करके बहुत अच्छे हाथों से आप इसको मिक्स कीजिए ताकि इसमें एक खस्तापन आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप मिक्स करते करते, आटे को हमें बहुत सख्त डो नहीं बनाना है, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें उसको उसी तरह मिक्स गूंथते रहना है। ये देखिए आटा मिला, बिल्कुल तैयार हो चुका है खस्ते के लिए। और आटे को इस तरह से गूंदने के बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। आटा देखिए मेरा कितना सॉफ्ट गूंधा है, बस ऐसे ही गूंदना है, आपको बहुत टाइट आटा नहीं गूंदना है। आटे को हमने यहाँ रेस्ट करने के लिए रख दिया था, हमारे आटे ने अब रेस्ट कर लिया है। चलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा फिर और मैश कर देंगे अच्छे हाथ से। ये इस तरह से हम थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट और मैश कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी लोई तोड़ेंगे। तो थोड़ा आटा लेके आप अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ करके इस तरह से कर लीजिए, या आप अपने किसी उस पर भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल लीजिए
और सारी लोइयाँ निकालने के बाद आप इसको इस तरह से पेड़े की तरह बनाइए और सब इकट्ठा आप एक साथ बना के रख लिए, तब तक थोड़ा सा वो सॉफ्ट और हो जाता है। और अब हम यहाँ पे कचौड़ी भरेंगे। आइए हम आपको भरने का तरीका भी बता रहे हैं, इस तरह से हमको भरना है और यहाँ से इस तरह से घुमा के इस तरह से आपको ऊपर का हिस्सा निकाल देना है। ये नीचे इस तरह से आप करेंगे तो ये चिपक जाएगा और ऊपर का आपको ये हिस्सा निकाल देना है। यहाँ इस तरह से करने के बाद आप जैसा पेड़े को आप गोल गोल करते हैं, बस इसी तरह आपको यहाँ पे करते रहना है और हथेली की मदद से दबा के आप इसे बड़ा बड़ा दबा, इस तरह से हथेली की मदद से दबा के आप इसको बढ़ा के कचौड़ी बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत हो तो आप भरने के बाद इसे गोल बेल दीजिए। बेलने के बाद इस तरह से हथेली के बीच में ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दबाने से कचौड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन फूलती है। आप हथेली के बीच में ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैंने भी सारी कचौड़ियाँ भरने के बाद बेलन से बेल के ही हाथ की हथेली में किया है। ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हम लोग उतने फास्ट नहीं कर पाते हैं जितना हलवाई वगैरह कर लेते हैं, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। चलिए यहाँ हमारा तेल गर्म है, तेल को पहले हम खूब धुआंदार गर्म कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा तेल हम मीडियम करने के बाद एक साथ अपनी सारी कचौड़ी डालेंगे। और यहाँ पे गैस हमें स्लो रखनी है, जब स्लो गैस पे हमारी सारी कचौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी तो पहले एक तरफ हम कचौड़ियों का कलर आ जाने देंगे, उसके बाद हम एक एक करके सारी कचौड़ियों को पलट देंगे। देखिए हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी फूल रही है, आप देख रहे हैं एक एक कचौड़ी मेरी फूली है। अब कचौड़ी में हमारे एक तरफ कलर आ गया है। अब इन सारी कचौड़ियों को हमने देखिए तल के निकाल लिया। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। ये हमारी कचौड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।